हे गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान की गरीबी यूट्यूब चैनल। दरअसल दोस्तों, रिसेंटली आप सभी को पता होगा तो मैंने एक रॉकेट लॉन्च किया था, यानी कि मैंने एक रॉकेट बनाया था, तो उसी से रिलेटेड मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू कर दे। दरअसल दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक ऐसा रॉकेट बनाया था और मैंने उसको एक लॉन्च करने की कोशिश की थी। आप सभी को पता है मैंने लाइव स्ट्रीम भी की थी, लेकिन उस लाइव स्ट्रीम में मैंने लॉन्च नहीं किया क्योंकि हवा ही इतनी तेज़ थी कि इग्नाइट ही नहीं हो रहा था रॉकेट। ओके, तो उसके कुछ मतलब मिनटों बाद, या आप कह सकते हो घंटों बाद, मैंने लॉन्च करने की कोशिश की। लॉन्च करने की कोशिश की इन द सेंस कि एक्चुअली आपने देखा हवा बहुत तेज़ थी, इसलिए मैंने पहले 90 डिग्रीज पे सब रॉकेट लॉन्च होते, तो मैंने 90 डिग्रीज पे रॉकेट खड़ा करके देखा। खड़ा नहीं हुआ, वो गिर रहा था, इसलिए मैंने 45 डिग्रीज पर रखा और फिर देखा तो 45 डिग्रीज पर भी वो नहीं हो रहा था, 45 डिग्रीज पर भी गिर रहा था। तो आप पूछोगे 45 डिग्रीज यानी कि क्या? देखिए, जब भी मिसाइल कोई भी टेस्ट होती है तो 45 डिग्रीज पर टेस्ट की जाती है, और दूसरी चीज़ मतलब दूसरे मिसाइल छोड़कर, जैसे कि ब्रह्मोस वो सब। ओके, तो खैर, असल में दोस्तों जो मेरा LV-01 रॉकेट था उसको मैंने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बनाया था, यानी कि SSLV-D1 फेल हुआ था, तो इसलिए मेरे मन में एक इच्छा थी कि भैया मैं मुझे भी कुछ करना है, इसलिए मैंने इस रॉकेट को बनाया था जो भी फेल हुआ वो भी फेल हुआ। खैर, वो जो दूसरे मिसाइल्स है वो ब्रह्मोस वगैरह ऐसे 90 डिग्रीज पर ही लॉन्च होती है, लेकिन कोई कोई मिसाइल 45 पे लॉन्च होती है, तो मैंने 45 पर देख ट्राई किया 45 पर ट्राई किया था, लेकिन वो गिर जाता था रॉकेट, तो इसलिए फाइनली मैंने उसको ऐसे 0 डिग्रीज पर रखा। और 0 डिग्रीज पर रखने के बाद मैंने इग्नाइट किया, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा था फ्रेंड्स कि वो जो रॉकेट है उसने थ्रस्ट ही डेवलप नहीं किया, शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो फेल हो गया रॉकेट। आपको क्या लगता है इस इस चीज़ के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो वही रॉकेट है। ओके, ये रॉकेट फेल हुआ, थ्रस्ट डेवलप नहीं कर पाया जितना उसको चाहिए था। ओके, आज यानी कि लगभग 4:05 पर इसको टेस्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था, पर मैंने पहली बार इस रॉकेट को प्रज्वलित किया, लेकिन रॉकेट आवश्यक थ्रस्ट विकसित नहीं कर सका, इसलिए रॉकेट 1 इंच आगे नहीं बढ़ सका। इसलिए मैं घोषणा करता हूँ कि LV-01 मिशन असक्षम जोर के कारण विफल हो गया है। मैं जल्दी इस पर काम करूँगा और मैं वापस फिर से इस रॉकेट को लॉन्च करने की पूरी कोशिश करूँगा। दरअसल दोस्तों, ज़मीनी हवाओं के कारण इस रॉकेट को ना तो हमने 90 डिग्रीज पर और 45 डिग्रीज पर रखा क्योंकि ये गिर रहा था, इसलिए हमने इसे 0 डिग्रीज पर रखा। यदि रॉकेट एक थ्रस्ट उत्पन्न करता तो यह एक दिशा में आगे चला जाता, पर आप वीडियो में देख सकते हो रॉकेट इग्नाइट भी हुआ, रॉकेट इग्नाइट हुआ उसके बाद भी वो थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ा, इसीलिए मैं ये घोषित करता हूँ कि रॉकेट असफल हुआ, पूरा मिशन असफल हुआ। खैर, मैं फिर से नई बार एक अगली बार इसको टेस्ट करूँगा, सारी चीज़ें देखूँगा, एक अगली बार सारी चीज़ें हम टेस्ट करेंगे, फिर लॉन्च करेंगे, देखेंगे हम सफल होते कि नहीं होते। खैर, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।